नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। स्वस्थ भारत मिशन के तहत स्वस्थ रीवा के उद्देश्य से नि शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त जांच शिविर 9 मार्च को संपूर्ण रीवा जिले में आयोजित किया जाएगा। जिले के सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में खून की 10 प्रकार की जांच, हृदय, लीवर एवं किडनी आदि से संबंधित जांच निःशुल्क की जाएगी। रीवा स्थित कृष्णा राजपुर ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्र एवं सभी विधायक गणों की उपस्थिति में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ होगा। जांच में थायराइड के अलावा आयरन की कमी तथा महिलाओं के खून में होने वाली कमी का भी निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य है कि संपूर्ण रीवा जिले में लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण हो, जिसके आधार पर जिले की आगामी स्वास्थ्य योजना पर भी कार्य किया जा सके। शिविर में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, GRF, क्रिएटिनिन, SGPT, प्रोटीन, एल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एजी रेशियो आदि 10 प्रकार की जांचों के लिए जहां ₹100 लगते हैं, शिविर में यह सभी जांच निःशुल्क कराई जाएगी। शिविर के आयोजन को लेकर आज डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की और शिविर के तैयारियों से अवगत होते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति बीमार होने के पहले ही यदि जाँच हो जाती है, आमतौर पर साल में एक बार सभी को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी के कारण लोग जांच नहीं कराते, शरीर में कमियां आ जाती हैं, फिर वो बढ़ती रहती हैं, फिर गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल जाते हैं। तो यदि हमें रीवा को स्वस्थ बनाना है तो हमें व्यापक स्तर पर जांच के अभियान चला के लोगों के ब्लड सैंपल लेके उनकी जाँच करके, और यदि उनके अंदर कुछ ज़्यादा कमी है तो डॉक्टरों से को लगाना पड़ेगा उनके पीछे, कि उनको आवश्यक दवाई ववाई दे के, सुझाव दे के और उनको स्वस्थ रहने के लिए मार्गदर्शन दे सके। तो जैसा अभी कैंसर का महाशिविर हुआ, आपने देखा कि 94,000 लोगों की जांच हुई, इसमें 108 लोगों की बायोप्सी करानी पड़ी और अभी 30 की रिपोर्ट आ गई, उसमें 26 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बड़ा काम हुआ है, अब उनको अस्पतालों में भेज के उनका इलाज करा देंगे। उसी प्रकार से इसमें जो कमी पाई जाएगी उसमें उनको आवश्यक दवाइयाँ देना, मार्गदर्शन देना, जिससे कि अस्पताल जाने की नौबत हमारे नागरिकों को ना उठानी पड़े। भैया, जिसमें आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने हुए हैं और वो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए क्या है? उनका हम मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से और अन्य स्रोतों से उनका इंतजाम करेंगे। ये पहाड़ियों में जो कचरा प्लांट बना है वहाँ भी